What's up guys, Jordan Gamer here, मेरा नाम है माइकल, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइस पिछले एपिसोड में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने गाइस फ्रैंकलिन के लिए पावरफुल वाइट टाइगर ले लिया था, वो भी दोस्तों मॉर्गन से। अब ये जो वाइट टाइगर था वो दोस्तों था हमारा इंडिया से इम्पोर्टेड, और गाइस वो हमें जो है पुष्पा ने गिफ्ट किया था, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो है माइकल उसको देखने भी जा रहा है, और साथ में दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने बेटे को भेजा था, यानी कि अपने जिमी को भेजा था कि भाई हमारी जो कार है बुलेरो, आप लोगों को पता होगा गाइस, हम लोगों ने अपनी इंडियन कार एक बाय की थी यहाँ पर जिसका नाम था बुलेरो, और गाइस हम लोग GTA 5 में उसे चला रहे थे, ठीक है। तो GTA 5 में दोस्तों आप लोगों ने बुलेरो, हमारी महिंद्रा बुलेरो देख ली होगी, और साथ में मैंने आप लोगों को अपनी गोल्डन स्कॉर्पियो भी दिखाई थी। अगर आप लोगों ने दोनों वाले एपिसोड जाके वॉच आउट नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके वॉच आउट कर लो। मेरा बेटा जो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, तो जिसके कारण से गाइस उसने जो है एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी जल्दी से माइकल जो है उसे देखने जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस, अभी मैं यहाँ पे सीधा आ चुका हूँ, अपने सीधा माइकल हाउस पे आ चुका हूँ, और यहीं पर दोस्तों जो है हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसका नाम है जिमी डी सेंटा। ये रहा गाइस उसका एक्सीडेंट हो गया है, और सीधा ऊपर से खरोच बरसाई है, और बंदा जो है इतना ज़्यादा बेहोश है कि उसे होश भी नहीं है, वो कहाँ लेटा हुआ है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं गाइस जब कुछ भी चलाओ, या बाइक या कार कुछ भी चलाओ, तो गाइस जो है उसको आराम से चलाओ बिल्कुल, और नशे में बिल्कुल भी मत चलाओ, ठीक है। तो जो गाइस इसने जो है गलती की है, अब ये पापा होने के कारण गाइस उसको जो है काफ़ी ज़रा मार रहा है। हम मारना एक तरह से कोई वो सोल्यूशन है नहीं, पहले जो हम लोगों ने छोटे में इन्हें नहीं समझाया तो अब क्या ही समझेगा ये इतना बड़ा बैल बुद्धि बंदा। मेरा जो है बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, और आप लोग देख पा रहे हो पूरी बुलेरो जो है टूटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पलट सी गई है। तो लगता है गाइस इसने ब्रेक वगैरह मारी होगी किसी को बचाने के लिए, तो उसकी कार जो है पलट के नीचे गिर चुकी है। तो अभी गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पैरामेडिक्स बुला लेता हूँ। तो एमरजेंसी सर्विस जो है 911 है, ठीक है, 911। तो इसमें दोस्तों अभी कॉल लग चुकी है, तो हमें पैरामेडिक्स चाहिए। अब जहाँ पे आप खड़े रहोगे, जिस करेंट लोकेशन पे आप खड़े रहोगे, वहीं पर से आके दोस्तों उसे जो है जिमी को ले जाएगी। तो जिमी दोस्तों हमारा जो है चला जाएगा, तब तक मैं यहाँ से निकलता हूँ और जल्दी से टो ट्रक लेके आता हूँ। तो टो ट्रक दोस्तों हमारे व्हाइट हाउस पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं, क्योंकि गाइस हमारी कुछ प्रेसिडेंट की कार्स वगैरह थी जो फंस गई थी, तो गाइस हम लोगों को वहाँ से जल्दी लेके आना पड़ेगा कुछ टो ट्रक्स। अब गाइस उनको स्टील नहीं करना है हमें, अब मैं उसको उठा लाऊंगा ऐसे ही, ठीक है। मुझे नहीं पता गाइस, अब हम अगर टो ट्रक की भी स्टीलिंग करने लग गए तो किस बात के गैंगस्टर रह गए भाई हम लोग, है ना। मतलब हम लोग तो लग्जरी कार की स्टील करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता भाई हम लोग को वो स्टील करने में कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैं तो जाऊंगा डायरेक्ट सीधा एकदम बैठूंगा कि भाई हाँ मेरा ही ट्रक है जैसे, और जल्दी से लेके मैं उसे डायरेक्ट फिर लॉस सेंटोस कस्टम पे छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो लॉस सेंटोस कस्टम में आप लोगों को पता है जितनी भी कार्स हैं वो सारी की सारी मॉडिफाइड होती हैं, तो अभी मेरे को ये टो ट्रक जो है लेके जाना पड़ेगा डायरेक्ट सीधा जिमी के पास। अब ये टो ट्रक पे पीछे आप लोग देख पा रहे हो एक हुक लगा हुआ है, इसी हुक से गाइज हमें जो है अपनी महिंद्रा बुलेरो को मतलब हुक से जोड़ लेना है, और फिर मैं उसको लेके जाऊंगा सीधा लॉस सेंटोस कस्टम में। अब जो मेरे को जो चलाने की आदत है वो है स्पोर्ट्स कार वगैरह चलाने की, ठीक है। तो ये टब ठहरा ट्रैक गाइस, ट्रक तो बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आता गाइस चलाने में भी, और सच बताऊं तो इसकी जो स्किट वगैरह हम लोग ट्रक में मार दें अगर, तो स्पीड और एक्सेलरेशन दोस्तों बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा चलाने में। तो जल्दी से गाइस क्या करता हूँ, मैं बहुत जल्दी पहुँचता हूँ वहीं पर कैसे ना कैसे करके। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, आप लोग देख पा रहे हो कितनी कड़ी धूप निकली हुई है, और धूप के साथ साथ ही गाइस जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा सनी सा हो रखा है, ठीक है, और उसमें भी दोस्तों जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी है। तो अभी मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, और उसके बाद गाइज मुझे जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन से मिलने के लिए उसका वाइट टाइगर देख के। अब गाइज थोड़ी बहुत तो जलन हो रही होगी माइकल को, क्योंकि जलन इस बात की है गाइज कि उसके पास भी टाइगर तो है, लेकिन गाइज जो है उसके पास नॉर्मल है, उसके पास वाइट है, और वाइट काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, ठीक है। अब जो हम लेके आए थे टाइगर वो दुबई के शेख का टाइगर था, ठीक है। जो दुबई के जो शेख के जो टाइगर्स होते हैं वो आप लोग देखोगे कि साथ साथ रह लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। वो एक तरह से सर्कस के टाइगर टाइप होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, या फिर उन्हें ट्रेन किया जाता है इतनी तरीके से, तो मेरे ख्याल से वो रहते होंगे इस तरह, ठीक है। पर आप लोग देख पा रहे हो गाइस अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो जल्दी से अभी मैं उतरता हूँ यहाँ पर, और उतरने के बाद मैंने जो है इस कार को कैसे ना कैसे करके ठीक कर लिया है। और जो भाई आप लोग देख पा रहे हो कि जो मेरा बेटा जिमी है वो गाइस अभी भी वहीं पर लेटा हुआ है। तो गाइज अब आप लोग एक बात का ध्यान रख रहे होगे यहाँ पर, बात ऐसी है कि जो जिमी है
वो हमारी औलाद ही है एक तरह से, मतलब बेटा ही है हमारा एक तरह से, पर हमें यार उसके सोचना भी चाहिए थोड़ा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसने क्यों नहीं उठाया जिमी को और क्यों उसे घर नहीं लेके गया। भाई ऐसा भी कौन से फादर होते हैं, कौन सा ऐसा बाप होता है जो भाई ऐसा करता है। तो मैं आप लोगों को सीधी बात बता देना चाहता हूँ, बात ऐसी है गाइस कि बहुत दिन पहले और बहुत बार मैंने जिमी को इस काम से बचा रखा है। अगर आप लोग हमारे पहले एपिसोड्स वॉच आउट करते आ रहे होंगे, पुराने लोग तो जानते हैं, वो लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिमी को हम लोगों ने कम से कम आज से 100 से 200 बार बचा रखा है ऐसे नशेड़ी और हरकतों से, और बाकी दोस्तों कैसी कैसी हरकतों से हम लोगों ने बचा रखा है उसे, ठीक है। तो अभी दोस्तों मुझे क्या करना है, मैं जल्दी से यहाँ पर लॉस सेंटोस कस्टम पे ये वाली कार को यहीं पर पार्क कर देता हूँ। पार्क करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया है। अब देखो जब मैं हटाऊंगा तो हुक जो है हमारा निकल आएगा। तो देखो गाइस अब मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है और अपने बंदे को जो है बता दिया है। अब देखो यहाँ पर एक बंदा और आ चुका है जो कि दोस्तों इस कार को रिपेयर कर देगा बहुत जल्द। अब जल्दी से मैं ये वाली उसकी लैम्बोर्गिनी लेके निकलता हूँ। तो हाँ गाइज मैं बात कर रहा था दुबई के शेख के टाइगर्स की, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होगे मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जो दुबई के शेख की जो टाइगर्स के आप लोग वीडियोस देखते हो वो ऐसी रहती है कि भाई वो कार में उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ नहा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वो बन रही है, एकदम से इमेज वगैरह बन रही है। तो वो गाइस जो शेर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा रहता है कि भाई वो जो दुबई के शेख के जो टाइगर्स हैं वो उनसे ही सिर्फ फ्रेंडली रहते हैं मेरे ख्याल से, और उन्हें ऐसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई वो दुबई के शेख के टाइगर्स थे, और जो अब फ्रैंकलिन को टाइगर मिला है आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, वो इंडिया का वाइट टाइगर है, वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैडम जी कितनी जल्दी में थी, अब मर गई ना आप, फालतू में आप लोगों को क्या बोलूँ। तो जल्दी से मैं उतरता हूँ यहाँ पर। उतरने के बाद आप लोग देख पा रहे हो ये रहा गाइस वाइट टाइगर, और साथ में फ्रैंकलिन नाच रहा है। अब ये नाच किस लिए रहा है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे ख्याल से मुझे जला रहा है कि भाई देखो मेरे पास भी टाइगर आ चुका है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे जैसा ही अमीर बनना चाहता हूँ, मेरे पास भी घर है आजकल, बस इसके पास एक लग्जरी कार की कमी है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन अभी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसका जो सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा जोरों शोरों में चल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो ये वाइट टाइगर भाग के कहाँ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अबे अबे कहाँ जा रहा है भाई, वो तेरा घर नहीं है, भयंकर क्या चल रहा है। जब ये चलता है ना गाइस तो इसकी जो नेक मसल है वो कितनी ज़्यादा सही, ओ भयंकर, ओ लगता है गाइस इसने फ्रैंक अमांडा को देख लिया, ओ अमांडा, ओ भयंकर, इसने लगता है अमांडा को डायरेक्ट जाके उस पर ऊपर अटैक कर दिया है, और भयंकर मैं यहाँ पर लेट हो चुका हूँ। तो गाइस अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं, एक तो जलन तो मेरे को पहले से ही थी कि भाई यहाँ पर जो है इसके पास वाइट टाइगर कैसे आ चुका है। फ्रैंकलिन इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोल रहा है मुझे। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो माइकल भी रो रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको चैलेंज कर दिया। अब चैलेंज मैंने किस टाइप पर किया है, मैंने इसको इस टाइप पर चैलेंज किया है कि भाई तुम्हारे टाइगर को मेरा टाइगर मारेगा। मैं मन कर रहा है अभी, अब मैं सीधा इसको मैंने यही बात बोल दी है कि जल्दी से बैटल ग्राउंड में जल्दी बेटा मिल जाए मेरे को, ठीक है। तो मैंने इसको बोला है जीता सीधा अपने मॉर्गन के एरिया में लेके चल, उसे भी दिखाऊंगा कि भाई मेरा जो वाइट टाइगर दुबई शेख का है वो नॉर्मल टाइगर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तू भाई उससे जो है बच नहीं सकता। तो जल्दी से मैं उस वाले लोकेशन पर मिलता हूँ आप लोगों को, और हमारे बीच आज एक बहुत ज़्यादा अद्भुत फाइट होने वाली है। जैसे मैं अद्भुत का शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ गाइस कि आप लोगों ने कभी ऐसी फाइट नहीं देखी होगी, वाइट टाइगर वर्सेस नॉर्मल टाइगर। मन तो कर रहा है अभी यहाँ पर इसका जो है हेडशॉट दे दूँ अच्छी तरीके से और यहीं पर ये मर जाए, और फ्रैंकलिन को भी साथ में मार दूँ। मेरी वाइफ अमांडा को इसने जो है बहुत गंदी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई उसकी वाइफ मर गई और तेरे को अभी भी लड़ाई की पड़ी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस कि अमांडा जो है ऑटोमेटिकली ठीक ही हो जाएगी, मुझे पता है, मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पर, हॉस्पिटल में। आप लोग कुछ काफ़ी लोगों का ऐसा सवाल आया होगा कि भाई उसकी वाइफ मरी जा रही है और माइकल को तो भाई अपने लड़ाई की पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन गाइस हम लोगों को अपने आप को प्रूफ कर देना है कि हम लोग गलत नहीं है, मतलब हम लोग कमज़ोर नहीं है। तो माइकल जो गैंगस्टर इसी टाइप की सोच रखता है हमेशा से, और हमेशा से रखता है, उसको भाई कोई टेंशन नहीं उसका बेटा बेटी कहाँ क्या कुछ है, ठीक है। तो जल्दी से अच्छे खासे कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े पहनने के बाद हमें मॉर्गन से मिलने जाना है जो कि एक बहुत बड़ा स्मगलर बन चुका है यहाँ पर आके लॉस सैंटोस में फ्रैंकलिन का यूज़ करके, और फ्रैंकलिन को पास तो दोस्तों अपना तो पैसा बना ही रहा है, साथ साथ में फ्रैंकलिन एंड लेस्टर को भी काफ़ी तगड़े पैसे खिला रहा है, ठीक है। तो ये वाली लैम्बोर्गिनी लेके मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वहाँ तक काफ़ी ज़रा दूर है,
जहाँ से दोस्तों कम से कम 4.19 माइल्स का रास्ता है, ठीक है। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो अमेंडा को क्यों नहीं उसने किया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बात ऐसी थी कि भाई फ्रैंकलिन द गैंगस्टर, जिनकी गैंगस्टर लाइफ होती है वो ऐसे ही सोचते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई कुछ नहीं होता, कभी भी दोस्तों वो पलट सकते हैं। वो बोलते हैं ना चिल्लर सिक्का है भाई वो एक तरह से, तो माइकल अपना जो है वो सिक्का बन चुका है। वो जब भी सोचता है ना वो हमेशा प्रॉफिट के लिए सोचेगा, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरी फैमिली भी है, फैमिली फर्स्ट नहीं रहती उनके लिए, उनके लिए मनी फर्स्ट रहता है। और मनी को पाने के लिए जितनी भूख उनके अंदर रहती है वो कैसे ना कैसे करके टाल सकते हैं, कैसे ना कैसे करके मिटा सकते हैं उनको, और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जैसे कि अब आप लोगों ने खुद ही देख लिया, एक टाइगर ने, इतने भयानक टाइगर ने एक पंजा मार दिया उसके वाइफ को, और वहीं पर वो उसके जो है खून वगैरह ब्लडिंग वगैरह हो रही है, फिर भी उसको कुछ नहीं किया। तो गाइज ये अब एक गैंगस्टर लाइफ है, कुछ लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, बाकी नहीं तो आगे वीडियो देखो, काफ़ी तगड़ी लड़ाई होने वाली है वाइट टाइगर वर्सेस नॉर्मल टाइगर की। कभी भी आप लोगों ने GTA 5 में तो टाइगर्स नहीं देखे होंगे पहली बात, और रियल लाइफ में भी आज तक आप लोगों ने वाइट टाइगर वर्सेस नॉर्मल टाइगर की फाइट नहीं देखी होगी, एनिमे में भी नहीं देखी होगी। गाइस काफ़ी ज़्यादा रेयर फाइट होती है ये, क्योंकि गाइस वाइट टाइगर का मिलना ही काफ़ी ज़्यादा रेयर है, वो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों जो है उनका सब कुछ जो है स्टार्ट हुआ था इंडिया से, इतना मुझे पता है। तो आप लोग देख पा रहे हो आते आते यहाँ पर जो है दिन खिल चुका है, और ये रहा गाइस मॉर्गन का वाइट टाइगर। फ्रैंकलिन ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों जो है हेलीकॉप्टर लेके पहुँच चुका है। ये रहा गाइस मॉर्गन, और हमारे साइड दोस्तों ऑलवेज लेस्टर खड़ा रहता है, और लेस्टर हमारे नॉर्मल टाइगर को लेके आ चुका है। फाइट यहाँ पर दोस्तों शुरू होने वाली है, 3-2-1 गो बोल देंगे, उसके बाद दोस्तों फाइट यहाँ पर जो है बिगिन हो चुकी है। मॉर्गन ने अपनी जो है सुट्टे लगाने शुरू कर दिए हैं। फ्रैंकलिन काफ़ी ज़्यादा खुश है कि भाई हमारे वाइट टाइगर की दोस्तों क्या ही यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोग देख पा रहे हो, और डायरेक्ट किसने पहले जंप लिया है, पहले जंप लेते ही गाइस मेरे ख्याल से ये जो पंजा पड़ा है ना माइकल के टाइगर को बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा है। और गाइस फाइट जो है वो ज़्यादा देर तक मेरे ख्याल से नहीं चलेगी, क्योंकि इनके जो पंजे रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। तो गाइस दो ही पंजों में, गाइस आप लोग देख पा रहे हो अब लास्ट पंजा मेरे ख्याल से बजने वाला है, तीन पंजों में मेरे ख्याल से माइकल का जो दुबई शेख का जो टाइगर था वो ढेर हो चुका है। गाइस आप लोग देख पा रहे हो जो वाइट टाइगर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और इसने गाइस उसके सीधा पेट को पकड़ रखा है और दबा रखा है गाइस उसको, और आप लोग देख पा रहे हो जो नीचे कीचड़ है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो मेरे ख्याल से इसका दम घुट गया है, या दम घुटने के बाद गाइस माइकल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, उसने दे दी भाई एक लात, और डायरेक्ट फ्रैंकलिन को भी मारने जा रहा है। गाइस इसका जो है टाइगर काफ़ी ज़्यादा वफादार है, और लगता है अभी तो भाई पत्नी को निपटाई आया, इसकी वाइफ को और साथ में इसके हस्बैंड को भी निपटा दिया। भयंकर, सब्सक्राइब करो चैनल को गाइस आप लोग ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल। दोनों मारे गए भाई।